अभी नई गाड़ी है, अभी 8 महीना हुआ है इस गाड़ी को। 70,000 में वैगन आर, टिल्ड स्कोप और टेलीस्कोप आपको स्टेयरिंग इसमें देखने को मिल जाता था। स्टेयरिंग में आपको पूरे कंट्रोल्स इसमें देखने को मिल जा रहे हैं। साथ ही फीचर लोडेड बोलने से इसमें आपको कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम। 80,000 से स्टार्ट है हमारे पास गाड़ियाँ, ठीक है सर, और 80,000 से 15-20 लाख तक की गाड़ियाँ हैं। एक्सयूवी सेगमेंट में एक ऐसी गाड़ी जिसे आप जितना भी लंबा चलाइए, जितना लंबे समय तक चलाइए, बिल्कुल भी आपको थकान नहीं होगा। दोस्तों, अगर आप कम बजट वाला कार ढूंढ रहे हैं तो आप वीडियो के लास्ट में चले जाइए, क्योंकि वहां आपको 80,000-15 लाख के आसपास तक का आपको कार मिल जाएगा। फैमिलियर कार है, 5 लोग, आप 5 लोग आराम से बैठ के घूम सकते हैं। फाइनेंस कर देंगे? हाँ, फाइनेंस कर देंगे। इसमें पूरा 100% फाइनेंस हो रहा है। 2.5 लाख फाइनेंस हो जाएगा, 50,000 में आप छोड़ देंगे। 50,000 में 1.5 लाख के आसपास की है और 1 लाख के आसपास की ही, मतलब 70 में दे देंगे उसको, ऐसा है जी। इसका 5.5 लाख डिमांड है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सेकेंड हैंड कार, और ऐसी कार आज हम आपको दिखाएंगे जो आपके बजट में बैठे। और रायपुर छत्तीसगढ़ में आज जितनी भी कार हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ की कलेक्शन आप यकीन मानिए सबसे सुपर्ब आपको मिलेगी। फाइनेंस के साथ मिलेगा, हर एक कंप्लीट एसेसरीज वगैरह सब चीज़ आपके लिए हम करा के यहाँ पे देने वाले हैं। मैं धीरज कुमार, आप देख रहे हैं इंडिया मोटर कार, और मैं स्वागत करता हूँ प्रमोद सर का। सर स्वागत है आपका। और मेरे साथ एक और भी सर है, सर आपका भी स्वागत है। आज जो भी हम गाड़ी दिखा रहे हैं सर, पहले तो आप बताइए कि बजट हमारा क्या रहने वाला है। बजट हमारा मतलब 80,000 से स्टार्ट है हमारे पास गाड़ियाँ, ठीक है सर, और 80,000 से 15-20 लाख तक की गाड़ियाँ हैं। बिल्कुल सही है सर। और दोस्तों, आज जितनी भी हम कार दिखा रहे हैं सबका कलेक्शन बहुत ही बेहतर है। ना आपको इंजन में कोई काम आएगा, ना आपको बॉडी में कोई काम देखने को मिलेगा, और कंप्लीट सुविधा आपको एक ही छत के नीचे मिलने वाला है। सर एक बार एड्रेस बता दीजिए आप। ये रायपुर छत्तीसगढ़ में है, सिटी मोटर के नाम से हमारी ब्रांच है, ठीक है सर, और इसका एड्रेस रायपुरा चौक के पास में ही है जी। हाँ। मनवास रियल्टी के बाजू में। बिल्कुल। तो सबसे पहले दोस्तों, आज हम आपको जो कलेक्शन दिखा रहे हैं वो शुरुआत करते हैं एक्सयूवी से। तो एक्सयूवी में जहां नाम आता है, सबसे पहला हम आपको दिखा रहे हैं एक्सयूवी में मिड साइड में किंग माने जाने वाली टाटा की नेक्सॉन। ये आपको टॉप एज द वेरिएंट देखने को मिलेगा, जिसमें प्रोजेक्टर लाइट वगैरह वो कंप्लीट आपको एसेसरीज के साथ मिलेगा। एलॉय व्हील भी आप इसमें देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही लाजवाब है। और इसका आपको इंटीरियर भी आपको दिखाऊंगा तो आप देख सकते हैं, बहुत ही लाजवाब इंटीरियर है। मॉड्यूल वगैरह मिल जाता है, इको, स्पोर्ट्स, वो सारे मॉडल आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। कलर बहुत प्यारा है, रेड कलर में ये आप ले सकते हैं। इसकी प्राइसिंग हम जान लेते हैं। सर इसमें हम क्या प्राइस कोट कर रहे हैं? ये 7.5 लाख की है। मॉडल सर कब की है? 2018 की। 7.5 में आप फाइनल देने वाले हैं? हाँ जी। और ओनरशिप कितनी इसकी? ये सेकंड ओनर हो गई है जी, और टॉप मॉडल गाड़ी है, टॉप वेरिएंट है। टॉप वेरिएंट है जी। लगभग किलोमीटर कितना होगा सर ये? 57। 57 पेट्रोल डीजल? पेट्रोल में 57 चली हुई फर्स्ट ओनर गाड़ी आप यहाँ पे देख रहे हैं। उसके बाद एक और एक्सयूवी मैं आपको दिखा दूँ, ये भी आपको टॉप एक द वेरिएंट देखने को मिलेगा। कीलेस एंट्री वगैरह आपको इसमें देखने को मिल जाएगा दोस्तों। ये 5 गियर बॉक्स के साथ एक्सयूवी सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस करने वाली, अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा सेल करने वाली। आप 2 प्रोजेक्टर यहाँ पे भी देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही लाजवाब इसकी भी कंडीशन है। इंटीरियर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप इंटीरियर भी इसका देख सकते हैं। टायर वगैरह भी सब चीज़ लाजवाब आपको यहाँ पे कार मिलने वाला है। इसकी हम क्या डिमांड कर रहे हैं? ये 10 लाख की है सर जी। अभी नई गाड़ी है, अभी 8 महीना हुआ है इस गाड़ी को। अच्छा सर। हाँ, एक ZXi+ है, टॉप मॉडल। टॉप मॉडल पेट्रोल में? पेट्रोल में। बिल्कुल। और अभी इसका 3 साल का इंश्योरेंस भी है, अभी पूरा कंप्लीट है। और चली कितनी होगी ये? 32,000 के आसपास चली है। मात्र 32,000 चली है। 32 चला हुआ 1.5 लीटर वाला इंजन इसके साथ आपको देखने को मिल जाएगा। टॉप एज द वेरिएंट, जिसमें 2 प्रोजेक्टर लेफ्ट, DRL वगैरह, ये अभी लेटेस्ट मॉडल है दोस्तों। अगर आप ब्रेजा देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको 10 लाख के बजट में यहाँ पे मिलने वाली है। और एक्सयूवी का जहाँ नाम आता है उसमें इको स्पोर्ट्स का भी आपको देखने को मिल जाएगा, ये भी काफ़ी बेहतर कंडीशन में। चाहे आप सीटिंग देखिए, इंटीरियर देखिए, या इंजन, आप बॉडी लुक भी आप देख सकते हैं, काफ़ी बेहतर है। फोर्ड, हालांकि ये मार्केट अभी इसका कंपनी बंद कर चुका है, लेकिन अभी भी इसकी सर्विस आपको शोरूम में ही देखने को मिल जाएगी। इसकी हम क्या डिमांड कर रहे हैं? ये 7.5 लाख है इसका प्राइस। फर्स्ट ओनर है जी, और 2018 का मॉडल है। अच्छा सर जी। 18 मॉडल आपको 7.5 के बजट में मिल जाएगा। डीजल के मामले में सबसे रॉकेट इंजन जो बोला जाता है वो आपको फोर्ड के साथ देखने को मिलने वाला है। आपने इससे पहले जो ब्रेजा देखा वो था पेट्रोल वेरिएंट में, अब जो हम आपको ब्रेजा दिखा रहे हैं ये डीजल वेरिएंट है। डीजल वेरिएंट का बहुत ज़्यादा मांग है, क्योंकि सुजुकी अब डीजल नहीं दे रहा है नए में, तो आपको पुराने में काफ़ी अच्छा आपके पास ऑप्शन है, देख सकते हैं। आपको कॉन्टैक्ट करना है तो सिटी मोटर, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको दी जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपके लिए मैं नंबर छोड़ दूंगा। इसकी भी कंडीशन आप यकीन मानिए काफ़ी लाजवाब है, और इससे भी सस्ती कार हम आपको दिखाने वाले हैं जो अंदर स्टॉक यार्ड में है। हम इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं सर? ये 6.5 लाख है, 2017 मॉडल जी। फर्स्ट ओनर है, इंश्योरेंस वगैरह सब कम्प्लीट है।
लगभग कितनी चली होगी ये? 70,000 के आसपास चली है। 70,000 के आसपास। आप इंटीरियर भी देख सकते हैं, सीट की क्वालिटी, डैशबोर्ड भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत ही लाजवाब है। सेगमेंट में एक ऐसी गाड़ी जिसे आप जितना भी लंबा चलाइए, जितना लंबे समय तक चलाइए, बिल्कुल भी आपको थकान नहीं होगा, बहुत आरामदायक है, फीचर्स भी आपको ठीक ठाक ही मिल जाते हैं, लेकिन चलने के मामले में इसके जैसा कंफर्ट राइडिंग आपको कोई और गाड़ी नहीं दे पाएगा। ये है रिनॉल्ट की डस्टर, ये 85 पीएस वाली इंजन आपको इसमें मिलेगी, जिसका माइलेज आपको 20 प्लस मिलने वाला है। जी हाँ, 20 प्लस का माइलेज ये गाड़ी देगा। फीचर्स, स्पेस के मामले में, कंफर्ट के मामले में इसका मुकाबला इस सेगमेंट में आने वाली किसी भी गाड़ी के साथ में आप नहीं कर सकते। ये वाली गाड़ी आपको हम देने वाले काफ़ी सस्ती कीमत में। इसकी हम क्या डिमांड कर रहे हैं? ये 2013 मॉडल है जी, 85, इसका 4.25 लाख है, 4,25,000, इंश्योरेंस वगैरह सब कंप्लीट है इसमें। जी हाँ, 4,25,000 में ये आपको 13 मॉडल मिलने वाली है, बहुत लाजवाब कंडीशन में। चाहे आप इसका फ्रंट लुक भी देख सकते हैं, टायर वगैरह भी देखिए, साइड पोर्शन भी मैं आपको दिखाऊंगा, तो काफ़ी अच्छी ही आपको पसंद आएगी। इंटीरियर का भी जो सीट की क्वालिटी है वो भी आपको प्रीमियम क्वालिटी में मिलने वाली है। प्रीमियम क्लास में अगर आप एक्सयूवी ढूंढ रहे हैं तो ये गाड़ी आपको बिल्कुल जमने वाली है, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार निकलता है। टोयोटा का आपका इंजन जो जानते हैं, कितना भी आप चलाइए बहुत रिलायबल आपको मिलेगा। 2,00,000-5,00,000 किलोमीटर तक इसका इंजन बहुत बेहतर परफॉर्म करता है। बाकी गाड़ियां सिर्फ लाख भर में खड़ी हो जाएगी, लेकिन इसका इंजन 5,00,000 तक भी नहीं खुलता। इसके साथ ही हाइट आप देख सकते हैं, बहुत ही इसमें ऊंची मिलती है। एक्सयूवी का एक्चुअल मज़ा जो है यही फॉर्च्यूनर आपको दे सकता है। अभी जो फॉर्च्यूनर का रेट अगर आप देखेंगे नई की, तो वो लगभग आपको 40 के लगभग देखने को मिलेगा, 35 से 40 के बीच है, लेकिन ये फॉर्च्यूनर सेकेंड हैंड में काफ़ी अच्छी कीमत में आप ले सकते हैं। इसकी हम क्या डिमांड कर रहे हैं सर? ये 2012 मॉडल है जी, उस समय का टॉप वेरिएंट है ये। बिल्कुल सर, और इसका 11.5 लाख रुपये हम इसको दे देंगे। 11.5 में छोड़ दोगे? हाँ, 11.5 में छोड़ देंगे, इंश्योरेंस वगैरह कंप्लीट करा के इसमें दे देंगे। इसमें फाइनेंस कर देंगे सर? हाँ, फाइनेंस इसमें हो जाएगा। फंडिंग कितना हो जाएगा इसमें? 8-8.5 लाख के आसपास फंडिंग हो जाएगा जी। ये एक्सयूवी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी वाइपर है जो इसके हेडलाइट को क्लीन करता है। ये टॉप वेरिएंट है, इसमें सारे वो फीचर जो उस समय में माने जाते थे वो सब फीचर आपको इसमें मिलने वाले हैं। प्लस इसमें एलॉय व्हील के साथ टायर का कंडीशन भी अच्छे है, आपको इसमें कोई भी खर्चा नहीं करना पड़ेगा, बस इसे ले जाइए और मज़े से आप इसमें घूमिए। दोस्तों, अगर आप कम बजट वाला कार ढूंढ रहे हैं तो आप वीडियो के लास्ट में चले जाइए, क्योंकि वहाँ आपको 80,000-1,25,000 के आसपास तक आपको कार मिल जाएगा। फैमिलियर कार है, 5 लोग, आप 5 लोग आराम से बैठ के घूम सकते हैं। एक्सयूवी में एक और गाड़ी मैं आपको दिखा दूँ, ये है 7 सीटर बुलेरो। ये बुलेरो अभी जो नया अगर आप देखेंगे तो 11-12 लाख से स्टार्टिंग होता है, और टॉप वेरिएंट तो उसका 15-16 लाख के आसपास जाता है। और इसके जैसा आपको एक्सयूवी वाला जो मज़ा है, जो देसी है, वो आपको कोई और गाड़ी नहीं दे सकता, क्योंकि आप इसे कितना भी रफ टफ यूज़ कीजिए, अगर आप कहीं भी भीड़े वाले रास्ते में भी चले जाएंगे तो बाकी कार इस एक्सयूवी को देख के साइड हो जाते हैं, क्योंकि इसको कुछ होगा नहीं, सामने वाले कार की पूरी बैंड बज जाने वाली। ये ऐसी एक्सयूवी है महिंद्रा की, सबसे सक्सेस DI इंजन वाला हम आपको यहाँ पे बुलेरो दिखा रहे हैं। और इसकी हम क्या डिमांड कर रहे हैं सर? ये सर टॉप मॉडल है ZLX+ जी, इसका 5.5 लाख डिमांड है। 5.5 मिले? 2015 मॉडल है, टॉप मॉडल। और कितनी चली होगी लगभग? ये लगभग 65,000 के आसपास चली है। 65,000 के लगभग चली है। डीजल इंजन है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, DI इंजन आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, जिसका माइलेज भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बेहतर ही निकाल के ये दे देती है। अब हम आपको सिडान सेगमेंट में लेकर आ चुके हैं, जहाँ पे सिडान में आपको 2 मॉडल देखने को मिलेगा। एक तो है स्कोडा की रैपिड और दूसरी है होंडा की सिटी। इसके बाद हम हैचबैक में जाने वाले हैं, जिसमें आपको और सस्ती कीमत में मिलेगी। पहले हम दिखाते हैं आपको स्कोडा की रैपिड। ये स्कोडा रैपिड आप देख रहे हैं, CG10 पासिंग है ये, और इसकी हम डिटेल जान लेते हैं सर, हम इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं? ये 2015 मॉडल है, टॉप वेरिएंट जी, इसका 5.5 लाख डिमांड है, उसमें नेगोशिएबल है, वो नेगोशिएबल है। उसके बाद सर सिटी भी मैं आपके पास देख पा रहा हूँ, होंडा की सिटी, जिसमें क्रोमा वगैरह का भी इसमें काम किया गया है। एलॉय व्हील भी आप देख सकते हैं, एलॉय व्हील ये टॉप वेरिएंट है, इसका आपको टायर की ग्रिप भी काफ़ी बेहतर मिल रही है। ये होंडा सिटी कम्फर्ट के मामले में इसके सामने, एक तो होंडा सिटी, दूसरी आपकी वरना, ये दो गाड़ी ऐसी है जो अपने एक कस्टमर को अलग ही बना कर रखी। जिसको होंडा सिटी चाहिए वो और कुछ भी नहीं लेगा। सर इसकी हम क्या डिमांड कर रहे हैं? ये 2012 मॉडल है जी, और टॉप वेरिएंट है ये भी, ये 4 लाख के आसपास की इसकी डिमांड है। 12 मॉडल 4 लाख, इसमें हाँ। भी सर फाइनेंस कर देंगे? हाँ, फाइनेंस कर देंगे, इसमें पूरा 100% फाइनेंस हो रहा है। अच्छा अच्छा, मतलब ये मॉडल के हिसाब से टॉप वेरिएंट है, इसमें पूरा 100% हो रहा है, 4 लाख पूरा फाइनेंस हो रहा है इसमें। बिल्कुल। अब हम आ चुके हैं हैचबैक सेगमेंट में, जहाँ पे आपको मिलेगी रिट्ज़, i20 और आगे की पूरी लाइन आप देख सकते हैं। उसमें भी हम आपको कम कीमत वाली भी दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम जो आपको दिखा रहे हैं
ये है ग्रे कलर में रिट्स, ये डीजल वेरिएंट है। और सुजुकी का जो स्विफ्ट इंजन आप देखते थे वही इंजन आपको इसके साथ देखने को मिलेगा, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा इसमें आपको बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलेगा। अगर आप स्विफ्ट का इसी तरीके से आप ठोक के देखना हो शायद बेंड भी हो जाए, लेकिन ये नहीं होगा, आप इसमें बैठ जाओ, ये बिल्ड क्वालिटी आपको रिट्स के साथ ही देखने को मिलेगी। बाकी और कोई गाड़ी नहीं है मारुति के पास, एक ब्रेजा और एक रिट्स ही थी जो दो काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी देता था। तो ये आप बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से इस रिट्स को आप देख सकते हैं। और दूसरा इसका जो मॉड्यूल है जो बाहर आरपीएम निकला हुआ रहता है वो अंदर से देखने में बहुत ही प्यारा लगता है। और ये जो है काफ़ी पंची इंजन के साथ आपको इसमें देखने को मिलेगा, टायर साइज भी इसमें आपको बड़े मिल जाते हैं, लुक हिसाब से भी देखा जाए तो काफ़ी बेहतर है सेकेंड हैंड मार्केट में। इसके हम क्या डिमांड कर रहे हैं सर? ये 2014 मॉडल है जी, और इसका डिमांड 3 लाख के आसपास की है। अच्छा सर, एक और मैं आपको यहाँ पे रिट्स दिखा दूँ, ये भी आपको डीजल वेरिएंट में मिल जाएगा वाइट कलर में। इससे पहले जो मैं आपको दिखाया था वो डार्क कलर था, ये आप लाइट कलर में ले जा सकते हैं। इसकी हम क्या डिमांड कर रहे हैं सर? 2015 मॉडल है ये, 3.5 लाख रुपये हम दे देंगे इसको। 15 का मॉडल 3.5 में जी, लगभग तो इतना आसपास फाइंडिंग भी हो जाएगा सर इसका? हाँ हो जाएगा, उतना हो जाएगा लगभग। इसमें मतलब जैसे नई गाड़ियों में 0% में करते हैं वैसे जीरो डाउन पेमेंट में हम ऐसी गाड़ी दे सकते हैं। बिल्कुल, इनको मतलब इसमें ज़्यादा डाउन पेमेंट नहीं करना पड़ेगा जी, तो मतलब 25-30 हज़ार 50 हज़ार डाउन पेमेंट करने से गाड़ी दे देंगे। और ये वाली मॉडल में तो आपको 100% फाइनेंस भी मिलने वाली है। अब हम आ चुके हैं प्रीमियम सेगमेंट में, जहाँ पे फ्यूचर लोडेड आपको गाड़ी मिल जाएगी। फ्यूचर लोडेड क्यों? इस सेगमेंट में उस समय में ऐसा कोई फीचर कोई और गाड़ी नहीं दे पाता था। आप देख सकते हैं टिल्ड स्कोप और टेलीस्कोप आपको स्टेयरिंग इसमें देखने को मिल जाता था, स्टेयरिंग में आपको पूरे कंट्रोल इसमें देखने को मिल जा रहे हैं। साथ ही फीचर लोडेड बोलने से इसमें आपको कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम, ये उसके अलावा भी इसका जो एसी है वो बहुत ज़्यादा पावर है, इंजन काफ़ी पावरफुल मिल जाता है, डोर पे आपको पूरे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, स्टेयरिंग के साथ डोर में भी आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं। ये जो गाड़ी है इसकी साउंड आप सुनिए, ये साउंड इतनी पुरानी होने के बाद कोई और गाड़ी नहीं दे पाएगा। आप फिर अगर और मैं आपको सुनाता हूँ, ये जो हैवी बल्क है ना, ये हैवी आपको बिल्ड क्वालिटी से समझ में आता है कि इस कार में आपको कितनी हैवी ड्यूटी आपको बिल्ड क्वालिटी मिलने वाली है। आप देखकर तो समझ गए होंगे मैं कौन सी गाड़ी की बात कर रहा हूँ। ये है हुंडई की i20 प्रीमियम हैचबैक कैटेगरी पे ये आता है, माइलेज भी आपको डीजल में जाएंगे तो काफ़ी बेहतर मिल जाएगा। सर इस गाड़ी की हम क्या डिमांड कर रहे हैं? ये 2012 मॉडल है, इसका 3 लाख के आसपास की डिमांड है इसकी। इसमें फाइनेंस करेंगे सर? हाँ फाइनेंस हो रहा है इसमें, 2-2.5 लाख के आसपास इसमें फाइनेंस हो जाएगा। 2.5 लाख फाइनेंस हो जाएगा, 50 हज़ार में आप छोड़ देंगे? हाँ 50 हज़ार में छोड़ देंगे। टायर कंडीशन देखिए काफ़ी बेहतर है, नंबर आपको मिलने वाला है CG10 का। आगे एक और i20 है जो कि है CG7 नंबर। ये दोनों मॉडल आपको पेट्रोल में यहाँ पे देखने को मिलेगा, दोनों स्पोर्ट्स मॉडल है, ये उस समय की टॉप मॉडल आपको दिखा रहे हैं। और इसमें भी वो सारे फीचर जो मैंने पहले वाले गाड़ी में दिखाया है उससे, लेकिन उससे ये सस्ती मिल जाएगी आपको। इसकी भी हम डिटेल जान लेते हैं सर, ये हम क्या डिमांड कर रहे हैं? ये भी 2012 मॉडल है, ये भी उसी के आसपास है, 3 लाख के आसपास। अच्छा सर, हाँ ये इसमें इंश्योरेंस वगैरह पूरा कंप्लीट करा के देंगे जी, और 3 लाख नेगोशिएबल प्राइस है, मतलब फाइनल प्राइस नहीं है। 2.5 लाख के पास फाइनेंस कर देंगे? हाँ हो जाएगा, 2.5 लाख के आसपास हो जाएगा इसमें फाइनेंस। बिल्कुल दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं ऐसी बजटेड वाली कार जो आपके बजट में आने वाली है काफ़ी सस्ती कीमत में, जिसमें पहले नंबर पे आपको जैन स्टीरियो आपको देखने को मिल जाएगा, एक वाइट कलर में और एक ब्राउन टाइप में आपको दिख जाएगा, और एक है वैगन आर, वो भी हम आपको दिखाएंगे। सर तो ये तीनों कार की हम क्या क्या डिमांड कर रहे हैं? ये 2011 मॉडल है, 1.5 लाख के आसपास की है, और ये 2010 की है, 1 लाख के आसपास की है। वो 70-80 हज़ार की है। वैगन आर 80 हज़ार में छोड़ेंगे सर जी, वो मतलब 70 में दे देंगे उसको, ऐसा है। दोस्तों पिछले बार भी मैं यहाँ पे आया था तो मुझे एक सेंट्रो मिली थी, वो भी आपको लगभग 70-75 हज़ार के आसपास सर ने दिया था, और इस बार हम आपके लिए लेकर आए हैं 70 हज़ार में वैगन आर, वो भी मारुति जैसी ब्रांडेड कंपनी से। आप चला कर बेचेंगे भी ना तो भी आपको ये 50-65 हज़ार तो दे देगा, 5-10 हज़ार का बस नुकसान होगा, वो भी 1-2 साल में, उतना तो आप वसूली लेंगे 5-10 हज़ार। माइलेज काफ़ी बेहतर मिल जाता है, इंजन इसका भरोसेमंद है, काफ़ी लंबे आप चला सकते हैं। ये मॉडल कब का है सर इसका? 2007 का है। 7 का मॉडल है जी। इसमें पूरा फंडिंग करेंगे सर, मतलब पूरा पेमेंट देना पड़ेगा? पूरा पेमेंट देना पड़ेगा, ये फाइनेंस नहीं हो पाएगा। इसकी कंडीशन की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें टायर वगैरह भी आप देख सकते हैं, अभी ग्रिपिंग वगैरह इसमें बची है। 1.1 का इंजन आपको देखने को मिल जाता है, एसी काफ़ी बेहतर काम करता है, और उस समय के हिसाब से ये सिर्फ आपको 70 हज़ार में मार्केट में देखने को मिल जाएगा। यहाँ आप ले सकते हैं, यहाँ आने के लिए आपको आना होगा सिटी मोटर जो कि रायपुर छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगर आप कोई ऐसा कार ढूंढ रहे हैं
जो आपको फाइनेंस के साथ मिल जाए, ना केवल रायपुर छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के बाहर भी, तो वहाँ भी आपको फाइनेंस की सुविधा मिल जाएगी। रायपुर छत्तीसगढ़ में कोई ऐसा डीलर जिसमें आप भरोसा कर सकते हैं तो वो आप सिटी मोटर में देख सकते हैं। यहाँ पे कार की जितनी भी कलेक्शन मैं आपको दिखाया काफ़ी बेहतर है, हर एक कार का कंडीशन काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। प्रमोद सर, आपका कलेक्शन देख के बहुत ही मज़ा आ गया। थैंक यू सो मच सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। इसी तरीके का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।